नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जयगांव टुडे में। दोस्तों तो मैं बता दूं, अभी हम लोग है जयगांव के हाँसी महाराज तुरसा ब्रिज जो है उसके पास में है, और ये जो क्षेत्र है इन दिनों पर्यटकों और खासकर लोकल क्षेत्र के लोगों के लिए काफी पसंदीदा क्षेत्र हो गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन जो मैं बता दूं ब्रिज के पास जो है तुरसा नदी के पास यहाँ पर हाथियों का समूह निकलता है, जिसे देखने के लिए काफी लोग यहाँ पर शाम के समय जो है दोपहर के बाद से ही यहाँ पर पहुंचते हैं। आप देख पा रहे हैं अभी हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे और हम यहाँ के सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके बीच हम साझा कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं भारी संख्या में यहाँ पर जो है हाथी निकला हुआ है, और ये जो बताया जा रहा है प्रतिदिन यहाँ पर जो है हाथियों का एक समूह जो है यहाँ पर निकलता है, पानी पीने के लिए यहाँ नदी में आता है, और यहाँ पर मतलब जो हाथी है यहाँ पर नदी में काफी जो है मस्ती भी करते हैं, जिसे देखा जाता है। तो हाथी ही नहीं, विभिन्न जानवर जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी आप देख पा रहे हैं एक बड़ा समूह जो है हाथियों का समूह जो है तुरसा नदी में पहुंचा हुआ है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपके बीच साझा कर रहे हैं। बता दें कि ये जो है प्रतिदिन यहाँ पर लोग जो है एक कभी यहाँ स्थानीय लोगों के लिए एक काफी सुंदर जगह हो गया है, क्योंकि लोग जो है हाथी देखने के लिए और विभिन्न जंगली जानवरों को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। और एक चीज हम मैं बता दूं कि फिलहाल जो है अभी जो है पर्यटकों के लिए जंगल में प्रवेश बंद है, और इसी बीच जो है पर्यटक जो आ रहे हैं यहाँ घूमने के लिए उनके लिए ये काफी अच्छा मौका हो जा रहा है, क्योंकि लोग जो है हाथियों को जो है इस तरह देख पा रहे हैं, और जो है सामने बिल्कुल पास से ही लोग इसे देख पाते हैं। तो ये मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस क्षेत्र में अगर आते हैं तो एक बार जो हाँसी महाराज तुरसा ब्रिज है उसके पास जो है शाम के समय आप भी आके आपका अगर भाग में रहेगा तो आप देख जरूर पाएंगे, काफी मजा आता है। यहाँ पर लोग काफी संख्या में, आप देख पा रहे हैं काफी संख्या में हाथी यहाँ पर देख रहे हैं, टहल रहे हैं। और ये जो क्षेत्र है हाँसी महाराज का क्षेत्र है, तुरसा ब्रिज के जस्ट पास में ही ये क्षेत्र है, और यहाँ पर प्रतिदिन मैं बता दूं प्रतिदिन यहाँ पर जो हमें जानकारी मिलती है इसी तरह हाथियों का समूह जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, और काफी मजा आता है। यहाँ पर लोग काफी सैलानी यहाँ पहुंचते हैं, तो आप भी अगर इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो एक बार जरूर यहाँ पहुंचिए, हाथियों का ये जो समूह है उसे आप देख पाएंगे, काफी सुंदर है। और मैं जो जानकारी है सिर्फ हाथी नहीं दूसरे भी जानवर यहाँ पर देखने को मिलता है, नदी है पास में ही, नदी है जहाँ पर खास करके गर्मी के समय में काफी संख्या में जानवर यहाँ पर पहुंचते हैं ताकि नदी का जो पानी है उसका आनंद ले सके दोस्तों। तो अभी फिलहाल मैं दिखा दूं जंगली हाथियों का एक बड़ा समूह यहाँ पर हाँसी महाराज तुरसा ब्रिज के पास में देखने को मिल रहा है। काफी देर से यहाँ पर हाथियों का एक झुंड यहाँ पर आपको एक बार फिर ले चलते हैं, चलिए हम आपको ले चलते हैं तुरसा ब्रिज, ये है तुरसा नदी, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हाथियों का एक बड़ा समूह। देखिए काफी समूह है जंगल से निकल करके जो है यहाँ पर तुरसा ब्रिज के पास जो नदी है नदी में पहुंचे हुए हैं दोस्तों। तो हम यहाँ से गुजर रहे थे, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने अपने मोबाइल में कैद कर लिया है, काफी सुंदर नजारा है। और हम जो स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि प्रतिदिन ही जो है यहाँ पर हाथियों का एक समूह जो है यहाँ पर निकलता है, और आज भी जो है एक समूह भारी संख्या में भारी काफी यहाँ पर जो अनुमान लगाया जा रहा है 20 से 25 से ज्यादा ही यहाँ पर हाथी अपने शावक वगैरह के साथ यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो काफी संख्या में हाथी यहाँ पर है, और प्रतिदिन ही इसी तरह हाथी जो है यहाँ देखने को मिलता है। कभी कभी जो हमें जानकारी मिल रही है बाइसन वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिलता है, तो काफी सुंदर नजारा है। हमने अपने मोबाइल में इसे कैद कर लिया है और आपके बीच साझा कर रहे हैं। तो आप भी इस क्षेत्र से अगर आवाजाही करते हैं तो शाम के समय हो सकता है भाग्यपूर्ण आपको भी इसके दर्शन हो जाए, काफी सुंदर दर्शन हो रहे हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग इसी थोड़ा वीडियो इसके आपके बीच साझा करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा जयगांव टुडे। धन्यवाद दोस्तों।